नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दल राजस्थान में चुनावी रण के लड़ाकों को बड़े सोच समझ के साथ चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। साथ ही तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के बागियों को साधने में भी जुटे हुए हैं। यही नहीं, भाजपा की तर्ज पर अब कांग्रेस में भी भगवा रंग सिर चढ़कर बोलने लगा है। प्रदेश के सियासी चेहरे में कहीं मौका परस्ती तो कहीं पर वर्चस्व की लड़ाई भी नजर आ रही है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने से खफा साध्वी अनादि सरस्वती ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वहीं हवा महल विधानसभा सीट पर भाजपा ने आचार्य बाल मुकुंदाचार्य को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। पहले भाजपा ने अपनी 41 नामों की सूची में 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाकर सबको हैरान कर दिया था, तो बाद में कांग्रेस ने अपने 7 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर यहां तक कि सियासी संकट में गहलोत का साथ देने वाले कई विधायकों को भी इस बार टिकट नहीं मिला। उधर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में इस बार एक दूसरे के बागियों को साधने की होड़ भी मची हुई है। अपनी भगवा विचारधारा के साथ चुनावी मैदान में उतर रही भाजपा ने इस बार एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। यहां तक कि पिछली वसुंधरा सरकार में सेकंड टू सीएम कहे जाने वाले यूनुस खान का भी नाम इस बार टिकट लिस्ट में से काट दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे काफी हद तक अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रही हैं, लेकिन यूनुस खान की जगह डीडवाना से इस बार भाजपा ने जितेंद्र सिंह चौधा को टिकट दे दिया है। उधर कांग्रेस के भीतर भी बड़ा तूफान मचा हुआ है। महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ के नामों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, तो कई मौजूदा वरिष्ठ मंत्रियों ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया और हेमाराम चौधरी के चुनाव लड़ने पर अभी संशय बना हुआ है। चलिए अब जरा नजर डालते हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने बागियों को किस तरह साधने का प्रयास किया है। बता दें कि कांग्रेस अब तक भाजपा के 3 बागियों को टिकट दे चुकी है। इनमें विकास चौधरी को किशनगढ़, शोभा रानी कुशवाहा को धौलपुर से और सुरेंद्र गोयल को जैतारण से टिकट दिया गया है। पिछली विधानसभा चुनाव में भाजपा की पीपलदा से उम्मीदवार ममता शर्मा को भी कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। वे अपने बेटे के लिए अब कांग्रेस से टिकट मांग रही है। इसी तरह तिजारा से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान को पहले बसपा से टिकट मिल चुका था, लेकिन बाद में कांग्रेस का टिकट मिलते ही उन्होंने बसपा को छोड़ दिया। इसके अलावा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सुभाष मेहरिया अब भाजपा के से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वे लक्ष्मणगढ़ से चुनावी मैदान में हैं। अभी कांग्रेस अपने 156 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार चुकी है। वहीं भाजपा ने 182 को टिकट दे दिया है। 7 नवंबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और इससे पहले दोनों ही दलों को अपने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी भी करनी है। इस बार टिकट वितरण को लेकर दोनों ही दलों का महामंथन चल रहा है। कांग्रेस इस बार राजस्थान के उस सियासी रिवाज को भी तोड़ने की ओर अग्रसर है जिसमें हर 5 साल में यहां सरकार बदल जाती है। वहीं भाजपा हर हाल में राजस्थान में सत्ता चाहती है। अब देखना होगा कि कौन सा दल सियासत के इस तिलिस्म को तोड़कर जीत का बिगुल बजा पाता है। चुनावी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।